हे एवरीवन, आज के वीडियो में शेयर करने वाले सिंपल सा मेकअप लुक जिसे आप साड़ी, सलवार, कुर्ता या फिर किसी भी आउटफिट में क्रिएट कर सकते हैं। और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स में यूज़ करूँगी और ये प्रोडक्ट्स आपको किसी भी लोकल मार्केट में अवेलेबल मिलेंगे। सो इसमें बहुत ईजी है। सो देख रहे हो, मैंने यहाँ पे कोई मेकअप नहीं किया है, मेरा फेस एकदम क्लीन है। मैंने अभी फेस वॉश किया है। मेकअप से पहले फेस वॉश बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो आप अगर आप फेस वॉश नहीं करते तो आपकी मेकअप ठीक से बैठती नहीं है, लाइक ब्लेंड नहीं होती अच्छे से। तो मैंने यहाँ पे फेस वॉश ऑलरेडी किया है एंड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ टोनर। टोनर बहुत ज़रूरी है मेकअप में, बिकॉज आप जब फेस वॉश करते हो तो आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो ये क्लोज करता है, लाइक टाइटन करता है। तो मेकअप में टोनर बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। एंड देन आई यूज़ मॉइस्चराइज़र। मैंने यहाँ पे लैक्मे का मॉइस्चराइज़र लिया है, बिकॉज ये बहुत ही लाइटली वेट है एंड समर्स में आपको बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र की नीड नहीं होती, बिकॉज समर्स में हमारी स्किन ऑलरेडी ऑयली होती है। बट मॉइस्चराइज़र अवॉइड नहीं करना, इसे यूज़ ज़रूर करना है। बहुत थोड़ा सा लिया है मैंने, बिकॉज मेरी स्किन ऑलरेडी ऑयली है। इसे मैं पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी एंड 2 मिनट तक ऐसे अब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ दूँगी। एंड देन आई यूज़ प्राइमर। प्राइमर भी बहुत ज़रूरी है मेकअप में, ये हमारे फाउंडेशन को वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बनाता है एंड अगर आपके फाउंडेशन में जो भी केमिकल्स है उसे हमारी स्किन के अंदर जाने से रोकता है। मैंने यहाँ पे मैक का प्राइमर लिया है, ये बहुत लाइट वेट है एंड जेल बेस भी है। मेरी यहाँ पे प्राइमर कम्प्लीट हो चुकी है, मैंने प्राइमर लगा लिया है एंड मैंने अपने फेस को प्रेप कर लिया है फॉर मेकअप एंड आई यूज़ कंसीलर। कंसीलर अगर आपके डार्क सर्कल्स है तो ज़रूर अप्लाई करिए, हमारे डार्क सर्कल को वो हाइड करता है। आप ब्लेंडर से भी इसे यूज़ कर सकते हो, बट मैं कंफर्टेबल हूँ फिंगर से, तो मैंने फिंगर से ही कर लिया है। आपके स्किन पे अगर कोई डार्क स्पॉट है या फिर कोई दाग धब्बे हैं तो ये सब उससे भी हाइड कर देता है। मैं इसे अपने आँखों के ऊपर भी अप्लाई कर लूँगी, बिकॉज मुझे आई शैडो अप्लाई करनी है, तो आई शैडो से पहले भी इसे ज़रूर अप्लाई करें। और अब मैं यहाँ पे लिप बाम लगा रही हूँ, बिकॉज लिपस्टिक से पहले लिप बाम लगाना बहुत ज़रूरी है 5-10 मिनट पहले। एंड देन मैं यहाँ पे अपने आईब्रोज को ब्रश कर रही हूँ एंड आईब्रो पेंसिल से मैं इसको फील भी करूँगी। अगर आप इसे नहीं करते तो ये बहुत ही ऑड लगता है, फाका फाका सा। तो आईब्रो मेकअप में आप आईब्रोज को फील ज़रूर करें। देन मैं दूसरे आईब्रोज को भी अच्छे से फील कर लूँगी एंड ये मेरा फील हो चुका है दोनों अच्छे से। पर मैं मैट लिपस्टिक को अपने चिक्स पे लगाऊंगी फॉर ब्लेसर, ये बहुत ही अच्छा है। आपके पास अगर ब्लेसर ना हो तो आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। एंड देन ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ये चिक एरिया को एक शाइनी लुक देता है। सो ये मेरा अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। एंड देन आई शेडो पैलेट, मैं इसमें से बहुत ही सॉफ्ट सा कलर लूँगी, बिकॉज ये मेरी साड़ी के साथ मैच कर रही है। मैं इसे ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहो तो इसे फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हो, ये फिंगर से भी बहुत अच्छे से अप्लाई होता है। सो मेरी आई शैडो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है एंड देन मैं लैक्मे का यहाँ पे आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। मैं बहुत वीक नहीं, सिंपल सा ड्रॉ करूँगी। ये लाइनर बहुत ही स्मूथली ड्रॉ होता है, इसमें बहुत ज़्यादा हैवीनेस नहीं है, तो आप ड्रॉ करके 5 मिनट रख दो, बस ये ड्राई हो जाएगी। यहाँ पे मेरी लाइनर ड्रॉ हो चुकी है, अब मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी लैक्मे का। इसे डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी। इसे अच्छे से मैं पूरे फेस पे नोज एरिया एंड नेक एरिया को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, बिकॉज आपका फेस अगर मेकअप से भरा हुआ है और नेक एरिया ब्लैक है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये। और अब मैं इसे अच्छे से अपने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी, ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करता है। अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है तो आप फिंगर से भी कर सकते हो, फिंगर से भी बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, बट अगर ब्यूटी ब्लेंडर से करते हो तो आपके फेस पे जितने भी एक्सेस होती हैं फाउंडेशन वो सारे ब्लेंडर में आ जाता है और बहुत ही स्मूथली ये ब्लेंड कर देता है आप। सो यहाँ पर मेरी अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है, अब मैं कॉम्पैक्ट की हेल्प से अपने फाउंडेशन को कवर कर लूँगी। फाउंडेशन के बाद कॉम्पैक्ट या फिर लूज पाउडर अप्लाई करनी ही चाहिए, वरना आपकी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा केकी लगती है। अब मैं यहाँ पे लिप लाइनर अप्लाई करूँगी। लिपस्टिक से पहले भी लिप लाइनर लगाना चाहिए ताकि हमारी लिपस्टिक इधर उधर बाहर ना निकले।
मैं बहुत पतले से यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। लिप लाइटर अप्लाई करने से आपकी लिपस्टिक भी लॉन्ग लास्टिंग होती है और लिपस्टिक का लुक भी बहुत ही अच्छा सा आता है। देन मैं यहाँ पे मैक का लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। ये बहुत ही अच्छा सेड है, लाइक मेरी साड़ी के साथ एकदम मैच कर रही है और बहुत ही ब्यूटीफुल सा सेड है, लाइक बहुत ज़्यादा ओवर नहीं है। सो यहाँ पे मेरी मेकअप कंप्लीट हो गई। अब मैं हेयर को सेट कर लूँगी। मैं यहाँ पे अपने हेयर्स को ओपन ही रखूँगी बिकॉज साड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है ये ओपन हेयर। सो मेरा मेकअप डन है एंड हेयर भी।